बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। 2.4 फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व होगी। तो पहले फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वेश्चन। इसकी एग्जांपल है 7/9 होल टू द फोर्थ पावर। इट मींस इस लॉ के मुताबिक जब किसी भी ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाता है, इट मींस कि 7 और 9 ये एक्सपोनेंट दोनों वैल्यूज का है। इट मींस 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। जब इस तरीके से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर 4 times 7 को न्यूमरेटर प्लेस पे, जबकि 4 times 9 को डिनोमिनेटर प्लेस पे लिख के सॉल्व करते हैं। ऐसा करने से आपको जो फ्रैक्शन मिलेगी वो है 7 to the 4th power डिवाइडेड बाय 9 to the 4th power। जब हम 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देन आवर आंसर इज 2401 डिवाइडेड बाय 6561। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a/b to the 5th power इक्वल्स टू, इट मीन्स a/b मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स। जब हम किसी भी वैल्यू को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स के a मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स एंड देन b मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स, तो हम इन दोनों वैल्यूज को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो आपके पास आंसर में जो फ्रैक्शन आएगी वो है a/5th power डिवाइडेड बाय b/5th power। रूल एक बार देख लेते हैं। रूल है व्हेन अ क्वेश्चन इज रेज्ड टू द पावर द रिजल्ट इज द क्वेश्चन ऑफ द न्यूमरेटर टू द पावर एंड डिनोमिनेटर टू द पावर। जब किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट प्लेस कर दिया जाता है तो वो एक्सपोनेंट न्यूमरेटर वैल्यू का भी एक्सपोनेंट होता है जबकि डिनोमिनेटर वैल्यू का भी एक्सपोनेंट होता है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/12 होल टू द 6th power। जब भी आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन दी जाती है, इट मींस ये एक्सपोनेंट 3 पर भी मौजूद है और 12 पर भी मौजूद है। हम जब भी ब्रैकेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें पहले ये देखना होता है कि क्या ब्रैकेट के अंदर वो सॉल्व हो सकता है। अगर वो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो सकता है तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक मैं यहां पे सॉल्व कर दूंगी जबकि दूसरा आपको मैं वर्बल बता दूंगी। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे। फैक्टर्स हैं 3 के फैक्टर नहीं है, 12 के फैक्टर लेंगे, 4 multiplied by 3। अब जब इस तरीके से एक्सपोनेंट दिया जाता है तो हमने क्या डिस्कस किया, ये एक्सपोनेंट ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज पर मौजूद होता है। तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ये एक्सपोनेंट हम अब तमाम वैल्यूज के ऊपर लगा देंगे। 3 to the 6th power डिवाइडेड बाय 3 to the 6th power मल्टीप्लाइड बाय 4 to the 6th power। अब आपके पास 3 to the 6th power 3 to the 6th power से कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपके पास होगी 1/4 to the 6th power। अब 1 के ऊपर आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट नहीं है, 1 के ऊपर आप कोई भी एक्सपोनेंट प्लेस करेंगे वो सॉल्व होके चूंकि 1 ही आंसर आएगा लिहाजा हम उसके ऊपर एक्सपोनेंट प्लेस नहीं करेंगे। अब 4 to the 6th power को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1/4096। ये एक तरीका था। सेकेंड मेथड इज हम 3 को 12 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 3 4 12, तो डायरेक्ट आपके पास जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/4 to the 6th power। उसके बाद हम इसकी 4 multiplied by 6 times इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 1/4096। सेकेंड क्वेश्चन इज -12/5 होल टू द 5th power। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमने बात की कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे कि उसमें जिस हद तक भी हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है सिवाय साइन के, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। सेकेंड स्टेज के ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -12/5 डिवाइडेड बाय 5/5 power। अब नेक्स्ट स्टेज पे मजीद हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ साइन सॉल्व होगा, माइनस प्लस माइनस। पहले ये साइन 12/5 power के साथ था, अब ये साइन आपका फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा। देन आंसर इज -12/5 power डिवाइडेड बाय 5/5 power। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एल ओवर एम होल टू द माइनस थ्री पार। जब भी आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए, नेगेटिव एक्सपोनेंट, हमने ये तो पढ़ा कि जब आपके पास किसी भी ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए तो ये एक्सपोनेंट ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज पे होता है। अब यहां पे आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, जब भी आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपनी फ्रैक्शन की प्लेस चेंज कर देंगे। यानी प्लेस किस तरह चेंज करेंगे, अब न्यूमरेटर वैल्यू एल डिनोमिनेटर प्लेस पे ले गए एंड डिनोमिनेटर वैल्यू एम न्यूमरेटर प्लेस पे ले गए। ऐसा करने से आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप प्लेस चेंज करेंगे तो साइन ऑल्टरनेट बिहेव करेगा और आपका क्या कहते हैं नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये एक्सपोनेंट चूंकि फ्रैक्शन में मौजूद दोनों वैल्यूज के ऊपर है तो हमारा आंसर होगा एम क्यूब डिवाइडेड बाय एल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8a² b डिवाइडेड बाय 3cd। फिर सेम प्रॉब्लम, यहां भी हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यू की प्लेस चेंज कर देते हैं। यानी डिनोमिनेटर वैल्यू को न्यूमरेटर प्लेस पे ले जाएंगे और न्यूमरेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर प्लेस पे ले जाएंगे। तो आपके पास फ्रैक्शन होगी 3cd डिवाइडेड बाय 8a² b टू द होल स्क्वायर। अब आप देखें आपके पास यहां पर नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो चुका है। अब इसको सॉल्व करना है। एज पर रूल जब किसी भी ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो ये ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज पर मौजूद होता है। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब चूंकि ब्रैकेट इटसेल्फ अंदर सॉल्व नहीं हो रही, ना तो 3, 8 के साथ सिंप्लीफाई हो सकता है और ना ही यहां पर बेस सेम है जिसको हम सिंप्लीफाई करें, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ये एक्सपोनेंट 2 तमाम वैल्यूज के ऊपर पुट कर देंगे। तो आपके पास वैल्यू होगी 3² मल्टीप्लाइड बाय c² मल्टीप्लाइड बाय d² डिवाइडेड बाय 8² मल्टीप्लाइड बाय 8² होल स्क्वायर एंड b². अब आप 8² a² ये वैल्यू a² ये a का एक्सपोनेंट था, जबकि ये होल एक्सपोनेंट था, तो दोनों एक्सपोनेंट यहां पर पुट कर दिए गए। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर 3 का स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, 3 3 9 c² d² यहां पर 8 का स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, 8 8 64। अब जब दो एक्सपोनेंट एक ही बेस पर हो तो ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये एक्सपोनेंट हो जाएगा 2 2 4 यानी 8 to the 4th power एंड देन b² आंसर देख लेते हैं 9 c² d² डिवाइडेड बाय 64 a² मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय b² तो हमारा आंसर होगा 9 c² d² डिवाइडेड बाय 64 a² to the 4th power मल्टीप्लाइड बाय b² इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3a³ b² c² to the 6th power डिवाइडेड बाय xyz होल टू द माइनस 5 power। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू इसे सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि तमाम वेरिएबल्स यहां पे अलग हैं। तो हम फर्स्ट स्टेज के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे प्लेस करना है जबकि डिनोमिनेटर वैल्यू को न्यूमरेटर वैल्यू पे प्लेस करना है। अब देखिए ऐसा करने से हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो चुका है। एज पर रूल अगर किसी भी ब्रैकेट के ऊपर होल एक्सपोनेंट दे दिया जाए इट मींस ये एक्सपोनेंट ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज पर होगा। तो अब हम इसको तमाम वैल्यूज पर पुट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपके पास वैल्यू होगी x to the 5th power मल्टीप्लाइड बाय y to the 5th power मल्टीप्लाइड बाय z to the 5th power डिवाइडेड बाय 3 to the 5th power मल्टीप्लाइड बाय a³ होल टू द फिफ्थ पार मल्टीप्लाइड बाय b² होल टू द फिफ्थ पार मल्टीप्लाइड बाय c टू द 6th power होल टू द 5th power।
अब इन तमाम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। चूंकि हमारे पास पहले x, y, z के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं था, तो आपके पास आंसर में ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, x टू द फिफ्थ पावर, y टू द फिफ्थ पावर मल्टीप्लाइड बाय z टू द फिफ्थ पावर, जबकि डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर तमाम वैल्यूज के ऊपर पहले एक्सपोनेंट्स मौजूद थे, तो ये जो होल एक्सपोनेंट था ये इनसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपोनेंट भी सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी x टू द फिफ्थ पावर मल्टीप्लाइड बाय y टू द फिफ्थ पावर मल्टीप्लाई बाय z टू द फिफ्थ पावर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम 243। a को हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, a टू द 15th पावर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर को जो 5 से मल्टीप्लाई किया, b टू द 10th पावर, देन 6 को जो 5 से मल्टीप्लाई किया, c टू द 30th पावर इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 मल्टीप्लाइड बाय m टू द 4th पावर मल्टीप्लाइड बाय n क्यूब मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m स्क्वायर n स्क्वायर p होल स्क्वायर। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सबके सब में आपके पास वेरिएबल्स अलग अलग थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें आपके पास, आप नोट करें कि आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम मीन बेस सेम है, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान और इजी हो जाती है। तो सबसे पहले 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, 6 ऑन द 6, 6 टू जो 12, तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपके पास वैल्यू आएगी 2, उसके बाद m बेस कॉमन ली, 4 डिविडेंड के एक्सपोनेंट 4 में से 2 माइनस कर दिया, देन n बेस कॉमन ली, डिविडेंड के एक्सपोनेंट 3 में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट 2 माइनस कर दिया, फिर p बेस कॉमन ली, डिविडेंड के एक्सपोनेंट 2 में से डिवाइजर का एक्सपोनेंट 1 माइनस कर दिया, जबकि होल एक्सपोनेंट एज इट इज ब्रैकेट पर प्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपके पास ब्रैकेट सिंप्लीफाई होके आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर एन पी। अब जब हमने एन 3 में से 2 माइनस किया तो एक्सपोनेंट 1 हमें वैसे ही क्लियर है, जब किसी वैल्यू के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता तो वहां 1 मौजूद होता है, लिहाजा इसके इसे हम यहां प्लेस नहीं करेंगे। अब हम होल एक्सपोनेंट स्क्वायर को ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज पर प्लेस कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 2 टू जा 4, m टू द स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 2 टू जा 4, देन n स्क्वायर p स्क्वायर इज अवर आंसर। यहां हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ के रिमेनिंग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।